बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। एसपी कौशाम्बी हेमराज मीना के निर्देशन में पिपरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना पिपरी अंतर्गत ग्राम असरावल कला में हुई हत्या का किया गया सफल अनावरण, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने किया खुलासा। गौरतलब हो कि 13 फरवरी को ग्राम असरावल कला में सहवान ढाबे के पीछे बच्चन यादव उर्फ सतनाम सिंह यादव निवासी जलालपुर बोरियो थाना कोखरा जनपद कौशाम्बी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना पिपरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्र अधिकारी चायल श्यामकांत सिंह के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष पिपरी श्रवण कुमार सिंह में फोर्स पुलिस बल द्वारा मुख्य खास की सूचना पर शेरपुर मोड़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रदीप सोनी पुत्र कंधई लाल सोनी निवासी असरावल थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी, बिमलेश उर्फ ननका यादव पुत्र भोला यादव तथा बाला यादव उर्फ लवलीस लवसिंह पुत्र बड़ेलाल यादव निवासी शेरपुर थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर हत्या का कारण मृतक बचन यादव अभियुक्त बाला यादव उर्फ लव सिंह के परिवार के मध्य जमीन संबंधित विवाद की बात प्रकाश में आई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई के पश्चात न्यायालय भेजा जाया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक प्रदीप सोनी पुत्र कन्हई ये असरावल कला के रहने वाले हैं, बिमलेश उर्फ ननका और बाला यादव उर्फ लव सिंह ये दोनों शेरपुर थाना पिपरी के रहने वाले हैं। दिनांक 13 फरवरी को एक घटना हुई थी असरावल कला में, एक ढाबे पे कुछ लोग आपस में खाना खाने आए, फिर उसमें मारपीट हुई तो एक व्यक्ति को वहाँ पे अधमरा करके भाग के चले गए थे। इसी पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुँची तो वहाँ पे जो घायल व्यक्ति थे उनकी पहचान बच्चन यादव उर्फ सतनाम सिंह के नाम से हुई और ये व्यक्ति उस समय मृत पाए गए थे। तत्काल पुलिस ने सारी कार्रवाई करके मुकदमा पंजीकृत किया गया, पोस्टमार्टम कराया गया और जब इसमें विस्तृत जाँच की गई तो ये पता चला कि ये 4 लोग वहाँ पर घटनास्थल पर आए, पहले खाना खाया, खाना खाते टाइम पर इनमें आपस में विवाद हुआ और फिर इन्होंने लाठी मतलब जो डंडे थे छोटे वहाँ पे पड़े हुए थे उनसे मारपीट की गई और इसको बुरी तरीके से मारा, जिसकी वजह से इसके हेड इंजरी और तमाम जगह इंजरियाँ थी, उसी वजह से इसकी डेथ हुई और उसके बाद में उसको मार के ये लोग वहाँ से अपने अपने घरों पर चले गए। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की तो जानकारी हुई कि जो बच्चन यादव है वो प्रॉपर्टी का काम करता था और जो बाला यादव है इनके परिवार के साथ में उसका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था और उसी पे ये रंजिश मानते थे और उस दिन जब इनमें आपस में बहस होना शुरू हुआ तो फिर इन्होंने उसको जान से ख़त्म कर दिया। हत्या की वजह क्या थी? हत्या की इमीडिएट वजह तो आपस में झगड़ा था और उससे पहले से चूंकि रंजिश मानते थे परिवार में आपस में, जो बाला यादव है इनके परिवार के साथ जमीन का उसका कुछ लेन देन का मामला था क्योंकि जो मृतक है वो प्रॉपर्टी का ही काम करता था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, प्रदीप सोनी, एक बिमलेश उर्फ ननका यादव और एक बाला यादव।